हाँ तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ मिनी मिलिशिया की एक और नई वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक दिन में आप मिनी मिलिशिया की डबल यूजीआई गन को कैसे अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले यार ये बात सुन लो, अगर आप यार मिनी मिलिशिया के दिल से सच्चे प्लेयर हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास है मिनी मिलिशिया में डबल यूजीआई नहीं है और यार उसके कोई भी गन अनलॉक नहीं है। तो ठीक है गाइस यार इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस यार मेरे पास अभी यूजीआई डबल नहीं है, तो यार बंदे मतलब यार मेरी स्किल होते हुए मैं मतलब अच्छा भी खेलता हूँ ना तो भी यार बंदे मुझे हरा देते हैं। एंड गाइस अगर यार मेरे पास डबल यूजीआई होती तो मैं इस बंदे को हरा सकता था। तो ठीक है यार ऐसा आप ही के साथ होगा, यार आप अच्छा खेलते हो पर यार आपके डबल यूजीआई नहीं होने के कारण यार आपको कोई भी बंदा हरा देता है। एंड गाइस जैसे यार डबल यूजीआई आ जाती है आप जीत सकते हो। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं यार 50 तो हमेशा की तरह कंप्लीट करा देना। एंड गाइस देख ही सकते हो यार डबल यूजीआई होने से मैं कितने बंदों को यार एक सेकंड में हरा सकता हूँ। तो यार गाइस मेरे पास स्किल है पर यार डबल यूजीआई नहीं थी, तो गाइस मैंने भी यार एक ही दिन में डबल यूजीआई को अनलॉक किया है। और भाई मेरे को जब ये ट्रिक पता नहीं थी तो मेरे को 3 महीने लग गए थे और मेरी फिर भी डबल यूजीआई अनलॉक नहीं हुई है। ठीक है, तो जब ये ट्रिक मेरे को पता चली तो मैंने सोचा यार अपने आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो यार आपको कैसे क्या ट्रिक करनी है तो मैं बता देता हूँ। गाइस आप मेरे को पता है प्रो ही होंगे, तो आप इसे आराम से ट्रिक को यार कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना। ये जो आपको गाइस क्रिएट्स दिख रहे हैं जो खाली है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आर्मोरी में जाना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा 10वां लेवल है। ठीक है, मैंने कैसे क्या किया आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। और मैग्नम का भी 7 लेवल चल रहा है, उससे पहले आपको क्या करना है गाइस बैक आ जाना है। यहाँ पे जो क्रेट्स दिख रहे हैं आपको चारों खाली, क्योंकि यार आपको यूजीआई ऐसे तो मिलेगी नहीं, क्रेट्स में मिलती है, तो क्रेट्स आपको कैसे क्या लेना है। ठीक है, तो मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ आपको धीरे धीरे, आपको वही फॉलो करना। आपके 1 या 2 दिन में आपके पक्का यूजीआई फुल हो जाएगी और अनलॉक हो जाएगी। तो आपको क्या करना है यार, मिनी आउटपोस्ट खेलना। और भाई पूछोगे क्यों, क्योंकि इसमें यार 3 मिनट का गेम प्ले होता है, इसलिए यही खेलना है, चाहे आप टीम डेथ मैच के अंदर खेलो या फ्री फॉर ऑल में खेलो। क्योंकि इसको खेलने से क्या होता है गाइस, ये जो प्लेयर्स दिख रहे हैं आपको ये सब मतलब नए प्लेयर्स होते हैं। मिनी आउटपोस्ट में क्या होता है, क्योंकि लेवल 1 ही अनलॉक होता है जो डाउनलोड करते हैं नए बंदे, तो उनको भाई यही गेम खेलने को मिलता है। तो मिनी आउटपोस्ट में वही बंदे आते हैं जिनको गेम खेलना नहीं आता और वो आसानी से हार जाते हैं। और गाइस आप तो प्रो हो गई क्योंकि आप जीत सकते हो। तो यार आपको क्या कुछ नहीं करना, सिंगल यूजीआई से यार बंदों को हर। और गाइस इसमें एक और ये बात है कि इसमें जो बंदे होते हैं ना वो अपना आप गेम को लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यार वो हारने लगते हैं तो अपना आप लेफ्ट हो जाते हैं, और जिससे आपको ज़्यादा खेलना नहीं पड़ता और गेम ओवर हो जाता है। एंड गाइस यार ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जैसा कि देख सकते हो 2 बंदे तो यार स्टार्ट होते ही लेफ्ट हो गए। तो यार गाइस ऐसी ये ट्रिक है, आपको 4 गेम खेलना और चारों अगर आप जीत जाते हो तो आपको 4 क्रेट्स मिलते हैं। और क्रेट्स के ओपनिंग कैसे करनी है मैं ये भी बताऊंगा, तो आपको हर बार यूजीआई का ही अपग्रेड खुलेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस, मेरे को पता चली है। तो गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं यार 50 तो हमेशा की तरह कंप्लीट करा देना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यार मिनी मिलिशिया की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आप तक पहुँच जाए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड चलो गाइस यार अब आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यार मतलब इसमें बंदे बहुत नूब आते हैं। ठीक है, सच में, क्योंकि यार वो गेम अभी डाउनलोड करते हैं और अभी उनको मिनी आउटपोस्ट ही खेलने को मिलता है। 5 लेवल जब तक कंप्लीट नहीं होता वो आउटपोस्ट या कोई गेम नहीं खेल सकते मैप। ठीक है, और जिसकी वजह से यार उनको मतलब आप हरा दोगे एंड आपके मतलब यार क्रेट्स मिल जाएंगे, और वो भी जैसे कि मैंने इनको हराया और मेरे को अभी भी देखना कौन सा क्रेट मिला सबसे टॉप वाला। एंड गाइस देख सकते हो मुझे इलाइट क्रेट मिला भाई, मतलब मिनी आउटपोस्ट में आपको क्रेट सबसे महंगा वाला मिलता है। ठीक है, मैंने 1 गेम खेला और गाइस ऐसे कर करके मैंने 3 गेम खेले थे, और तीनों गेम में क्या होता है मेरे को सबसे 2 स्टैंडर्ड मिलते हैं और 1 बड़ा वाला मिलता है क्रेट। जैसा कि गाइस आप देख ही सकते हो मैंने यार यहाँ पे सारे फुल कर लिए थे, एंड यहाँ पे देख सकते हो 1 वो वाला क्रेट मिला और 2 स्टैंडर्ड मिले। तो गाइस इनको ओपन कैसे करना है, तो यार गाइस बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको क्या करना है ओपन ना हो, मतलब इसमें जो टाइम का मिलता है ना कि 1 एड देखो 1 घंटा कम हो जाएगा, तो वैसे वही आपको करना है। तो यार क्रेट ओपनिंग के लिए क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने खेल खेल के भाई लेवल अप हो गया मेरा, और आप जितना 4 क्रेट भाई जब तक ओपन करोगे ना 4 गेम में, तो आपका एक नया लेवल ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे ही WJ अनलॉक कर सकते हो बहुत ही जल्दी, जैसा कि आप देखना ओपन ना हो मैंने ये आपके सामने कर रहा हूँ, तो WJ का देख सकते हो मेरे पास खुल गया। एंड मैं एक फिर से करता हूँ तो फिर से देखना मेरे को खुल जाएगा। तो गाइस यार बहुत ही अच्छा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है जैसा मैंने वीडियो में बताया, आपको मिनी आउटपोस्ट खेलना है, टीम डेथ मैच खेलो या फ्री फॉर ऑल। उसमें क्या होता है भाई नए बंदे आते हैं तो यार वो उनको इतना खेलना नहीं आता तो वो लेफ्ट हो जाते हैं, और आधा आपका ऐसे ही भाई गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी यार क्रेट ओपनिंग कर सकते हो, और महंगे वाले क्रेट मिलते हैं क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को एक साथ हरा देते हो बिना हारे। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नई नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में।